हाय, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताओ इफ यू ऑल कैन सी मी। एक बार ये लिखो जरा चैट बॉक्स में इफ यू कैन सी दैट आई एम लाइव। I can see a person named baby girl. Hi, Varsha. अच्छा, आज ना हम एक फन मेंटी क्विज करने वाले हैं, सो वील स्टार्ट द सेशन विद दैट ओनली। उस मेंटी क्विज से ही सेशन स्टार्ट करेंगे हम, बट देन आई वॉन्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्विज। यू आर तानिश? ओके, हाई तानिश, it's your mother's ID. okay, Tanish, can you share this session with your friends? jitne zyada bacche honge utna zyada maza aayega, to jaldi se session ko share kar do doston ke sath, fir hum ek fun menti quiz karenge, thoda sa prime minister ke bare mein padhai karenge, theek hai? All right, let's wait for 2 minutes. What is your name, Muskan? You can see my name, it's written there. Likha hua hai na class ke title mein. Okay, we have got 4 students. Hi Payal, how are you? देखा नहीं, चलो कोई, अब तो देख लिया। ठीक है, तो सेशन को शुरुआत करते हैं सेशन की। जो लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं, दिस इज योर एडुकेटर मुस्कान। आई टीच यू सोशल साइंस ऑन अन अकेडमी। मेरे अन अकेडमी पर प्लस के नए कोर्सेज आ रहे हैं। 15 नवंबर से मेरा एक नया कोर्स आ रहा है। इस कोर्स के अंदर मैं आपका ज्योग्राफी और सिविक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ। एक कोर्स मेरा 1 नवंबर को आया था, जिसके अंदर मैंने पूरे SST, तुम्हारा जो टर्म 2 का फुल SST का सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो इन दोनों कोर्सेज का टाइम है 8:45 PM। दिस इज MWF, दिस इज TTS। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन ऑन 8:45 एवरी डे। हर रोज डेली होगा हमारा सेशन, मंडे से लेकर सैटरडे तक। ठीक है, आपको अगर मेरा प्रोफाइल चेकआउट करना है अन अकेडमी का, तो उसके लिए ना यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में भी लिंक है। चैट बॉक्स में देखो ऊपर ऊपर, तुम्हें लिंक दिखाई देगा। उस लिंक से तुम मेरा जो प्रोफाइल है अन अकेडमी का वो देख सकते हो, वहाँ पे स्पेशल क्लासेस देख सकते हो, ये बिल्कुल फ्री होती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में प्लस फन मेंटी क्विज। अगर कोई क्लास 10 का स्टूडेंट यहाँ पर है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो, वी कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें अभी कितनी एंजाइटी हो रही होगी, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हैं, है ना, 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। तो इसीलिए अन अकेडमी तुम्हारे लिए लेकर के आया है इमर्ज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, तुम्हें वहाँ पर ना इमर्ज नाम से एक लिंक दिखाई देगा। देखो ज़रा, दिख रहा है? सबसे टॉप पर लिखा हुआ है ना, अन अकेडमी इमर्ज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, साइन अप टुडे। ठीक है, तो जल्दी से क्लास 10 के स्टूडेंट्स इसके लिए एनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री है एनरोल करना।
तुम पता है क्या होगा, तुम हर सैटरडे और संडे ना एक मॉक टेस्ट दे लेना। वो मॉक टेस्ट जब तुम दोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वेयर डू यू स्टैंड। इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो तुम अभी कहाँ स्टैंड करो। तुम्हें ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिलेगा। तुमने टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद में हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा गया, तुम कहाँ पर तुम्हें मेहनत करने की और ज़रूरत है, तुम्हारे कैसे मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड्स में। तो पहले से जब मॉक टेस्ट दे लोगे ना तो तुम्हारा जो फियर ऑफ बोर्ड्स है ना वो निकल जाएगा। ठीक है, फियर ऑफ बोर्ड्स है ना वो निकल जाएगा, तो देना चाहिए। ये इस हफ्ते भी हुआ था, साइंस का टेस्ट होता है सैटरडे को और मैथ्स का टेस्ट होता है आपका संडे को। ये कोड लगा लेना MS Live 10। ये नहीं, MS Live 10 इज द रेफरल कोड। ये वाला कोड लगा लेना आप। ये कोड लगाकर आप बिल्कुल फ्री में इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं। ये वाला मेरा बैच है, 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। ये सब बैचेस, हर बैच को ना हम मंडे को नया बैच लॉन्च करते हैं। अभी आज मंडे है, ये वाले दोनों बैचेस आज लॉन्च हुए हैं। ये वाले क्रैश कोर्स क्लास 10 के लिए और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेयर आर यू राइट नाउ? आई एम एट माई होम। ये पावर पैक बैच और Term 2 किक स्टार्ट बैच ये नेक्स्ट मंडे को आएंगे, 15th को। ये दोनों बैचेस 15th को आएंगे। रेजर हैंड फीचर ना हमारे बच्चों का फेवरेट फीचर है। इससे तुम खुद को अनम्यूट कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, वाइवा में पार्टिसिपेट कर सकते हो, टीचर के साथ डिस्कशन कर सकते हो। ये सब कुछ अवेलेबल है इस रेजर हैंड फीचर में, लेकिन ये मिलता है सिर्फ प्लस स्टूडेंट्स को और आइकॉनिक स्टूडेंट्स को। तो आप ये वाला कोड लगाओ, अपना सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदो, प्लस या आइकॉनिक जो भी प्लान आपको परचेस करना है आप वो प्लान खरीद सकते हो। वन ऑन वन लाइव होमवर्क हेल्प अगर आपको चाहिए, कस्टमाइज एक्सपीरियंस चाहिए, पर्सनलाइज्ड क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए आपको आइकॉनिक लेना है। आदित्य तुम्हें पता है ना कि अगर तुम ऐसी चीजें लिखोगे तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर सकती हूँ यहाँ से। आज तो बिना बोले 10-11 स्टूडेंट्स ने लाइक कर दिया, थैंक यू। नेक्स्ट वीक संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट होगा। हर संडे को ना हम ये अनअकैडमी कॉम्बैट करते हैं। फ्री में आप रजिस्टर करो, 45 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस का आंसर करो। MCQ क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, तो वो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि इंग्लिश समझ में नहीं आती या हिंदी नहीं आती। वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा क्वेश्चन का बाद में। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप्स हैं। 1 to 3rd rank फॉर 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री में। तो आप चाहो तो अनअकैडमी कॉम्बैट दे सकते हो। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एनरोल करने के लिए कोड चाहिए होगा, वहाँ पे कोड लगा देना MS Live 10। अब ये दो प्लान्स हैं तुम्हारे सामने, तुम डिसाइड करो। क्लास 10 के लिए इस टाइम पे सब्सक्रिप्शन लेना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका Term 1 आ रहा है। तो तुमने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया ना, तो प्लस पर आज तक जितने लेक्चर्स हुए हैं सभी लेक्चर्स की तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो अपने एग्जाम से पहले। आइकॉनिक ले लिया तो पर्सनली डाउट्स पूछते रहना, रिकॉर्डिंग देखते रहो, डाउट्स पूछते रहो, पेरेंट्स भी बात कर सकते हैं, टाइम टेबल तक बना करके देंगे। तो आइकॉनिक तुम्हारे लिए फिलहाल बहुत बेनिफिशियल प्लान है। आप चाहो तो जल्दी से जल्दी ले लो क्योंकि इतने अमेजिंग, अभी तो क्रैश कोर्स बैच आज ही स्टार्ट हुआ है, वो ज्वाइन कर लो, तुम्हारा पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। ये प्राइस लिस्ट है, प्लस लेना है या आइकॉनिक लेना है। क्लास 9 का लेने पर 10, 11, 12 मिलता है साथ में बिल्कुल फ्री। 10 का लेने पर 11 और 12 मिलता है। द चॉइस इज योर्स, आपको कौन से ईयर का प्लान खरीदना है, जल्दी से जल्दी खरीदना। ये वाला जब कोड लगाओगे ना MS Live 10, तो तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो प्लान 10,000 का है वो तुम्हें 9,000 में मिलेगा। और इसके साथ साथ सारी क्लासेस लाइव होती हैं, तुम रिकॉर्डिंग्स देखना चाहो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। एकदम लेटेस्ट CBSE अपडेट के अकॉर्डिंग होती है। MCQs की प्रैक्टिस करवाएंगे अभी, तो सब कुछ इन्वॉल्व है इसके अंदर। एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत ज़्यादा क्योंकि एक एक सब्जेक्ट के लिए वी हैव लॉट ऑफ टीचर्स।
चॉइस इज योर्स, जल्दी से जल्दी लो। MS लाइफ 10 कोड अप्लाई करना है 10% डिस्काउंट के लिए। कौन कौन है जो सोच रहा है प्लस या आइकॉनिक लेने के बारे में, जल्दी से बताओ, फिर हम फन मेंटी को स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे कम से कम 15 बच्चे चाहिए इस मेंटी क्विज में। 2875894, छोटा सा क्विज है बट दिस इज अ फन फन क्विज। फटाफट से ज्वाइन कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी दे दो। आप लोगे आदित्य? ठीक है आदित्य, आपको तो कोड पता ही है ना। चार बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। आई नीड मोर स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, फटाफट से ज्वाइन कर लो सेशन। अभी 3 ही रहेगा, क्या करो तुम लोग, मुझे नाम नहीं लिखने दिया। फाइल अपने आप आ जाएगा फिर शायद। फॉन्ट कलर इज इन वाइट। मैंने लिखा है ना चैट बॉक्स में 894। ये लो आंसर। कहाँ देना है आपको? www.menti.com पे जाना है। ओके पायल, फिर वहां पे ज्वाइन करना है। तीन ही बच्चों ने ज्वाइन की, दो ही रह गए अब तो, बहुत बढ़िया। कम से कम 10 स्टूडेंट्स चाहिए, फटाफट से ज्वाइन कर लो। फाइव ज्वाइन नहीं हो रहा क्या मेंटी क्विज? मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइस 2 मिनट में। कर दे स्टार्ट। 5 बच्चे, आई कैन सी 7 स्टूडेंट्स हियर। चलो ठीक है, 6 स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ मिकी माउस? मिकी माउस तो सबने देखा ही होगा बचपन में, मिकी माउस का दूसरा नाम क्या है? सबने आंसर कर दिया। ठीक है, करेक्ट आंसर इज मॉर्टिमर माउस। 50%, तुमने गूगल किया है ना, कार्टून नहीं देखते?
हाय रूबी, थैंक्स फॉर योर नेम. वुल्फ, हु इज दिस? एल्मोर राउ. चार बच्चों ने सही दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे फॉन्ट कलर वाइट है तो बैकग्राउंड भी तो डार्क है ना. चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड. मिकी माउस की गर्लफ्रेंड का नाम लिखी तो सबको पता है. इसमें तो गूगल भी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें. एनी, मिनी और सैंडारा. सिंपल है ना ये क्वेश्चन. टाइम अप. फोर ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. करेक्ट आंसर इज मिनी. मेटल, लपसाइट, वुल्फ एंड रूबी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. इन द कार्टून इनसाइड आउट एंगर क्रिटिसाइजेस विच सिटी फॉर रूइनिंग पिज्जा. अपनी फेवरेट सिटी क्लिक कर दो, क्या पता सही हो जाए. थ्री स्टूडेंट सैन फ्रांसिस्को. तुम लोग गूगल कर रहे हो क्या या तुमने हैक कर लिया मेंटी क्विज? गूगल कर रहे हो या हैक किया? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ना ये. नहीं अभी दो क्वेश्चंस और हैं. नेम ऑफ स्कूबी डूज नेफ्यू. नेम ऑफ स्कूबी डूज नेफ्यू. एक ही बच्चे ने सही किया. लास्ट क्वेश्चन. अब तो सीधा लीडर बोर्ड. पास्ता नाम से किसने ज्वाइन किया? यू पीपल हैव सो क्रिएटिव नेम्स. हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्जन ऑफ मिकी माउस वॉइस? फर्स्ट वर्जन ऑफ मिकी माउस वॉइस. ये तो आसान था. चलो जरा लीडर बोर्ड देखें. फन क्विज में कौन जीता? रूबी, कंग्रेचुलेशंस. चलो आई होप यू हैड फन. तो आज मॉर्निंग में क्लास हो रही है एंड आई फील लाइक दिस इज अ संडे, तो इसीलिए थोड़ा सा फन क्विज रखा था. अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा ना पढ़ा देती हूँ. थोड़ी सी पढ़ाई कर लो जरा. पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट पढ़ना है हमने. प्रेसिडेंट की पावर्स के साथ ही ना प्राइम मिनिस्टर की पावर्स भी कनेक्टेड होती हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक्चुअली काम तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं
ठीक है, लेकिन जो फाइनल सिग्नेचर है वो प्रेसिडेंट के होते हैं। इसीलिए जब भी हम कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो साथ साथ हमें प्रेसिडेंट की बात करनी पड़ती है, बिकॉज ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू फाइनलाइज हिज वर्क। अब क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द नेशन। तो कुछ पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास में, लेकिन वो ये सारी की सारी पावर्स विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उन सभी पर प्रेसिडेंट का नाम लिखा जाता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बनाता कौन है, तो नाम तो प्रेसिडेंट का आता है, साइन तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ये सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पीएम क्रिएट करते हैं। प्रेजिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बट प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड हु डज ऑल द वर्क एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली सारा काम प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे प्रेजिडेंट से सबॉर्डिनेट होते हैं। ही हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द अफेयर्स, और इन्फॉर्म कौन करता है, पीएम। पीएम का काम क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं उन सभी को हेड प्राइम मिनिस्टर करता है। ये सारे के सारे डिस्कशंस प्रेसिडेंट तक कौन पहुंचाएगा, प्राइम मिनिस्टर पहुंचाएगा। ठीक है, सो द चेन गोज लाइक COM टू PM एंड PM टू प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन, यही कम्युनिकेट करते हैं सारी चीजें। प्रेसिडेंट के पास में अपॉइंट और रिमूव करने का पावर भी है, किसको, प्राइम मिनिस्टर को। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड ही कैन ऑल्सो रिमूव। रिमूव करने के लिए हमारे पास लोकसभा भी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन यूज करके लोकसभा कैन ऑल्सो रिमूव द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम हिज पोजिशन एंड ही विल बी फोर्स्ड टू रिजाइन। ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सभी को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट करेगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर। चीफ जस्टिस को, बाकी जजेस को, इतने सारे लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अच्छा, अभी इसके सिवाय प्रेसिडेंट के पास में ये भी पावर है कि वो पार्लियामेंट के सेशंस को बुला सकता है, सेशन स्टार्ट करवा सकता है। समन मतलब बुलाना, प्ररोग मतलब रोकना। दोनों हाउसेस के सेशंस को रोक भी सकता है और स्टार्ट भी करवा सकता है, चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। जनरल इलेक्शंस के बाद में जो पहला मीटिंग होता है ना, जो फर्स्ट मीटिंग होता है, उसको प्रेसिडेंट ही एड्रेस करता है, प्रेसिडेंट ही जाकर के सबसे बात करता है। वो जॉइंट सेशन को एड्रेस भी कर सकता है और जॉइंट सेशन को बुला भी सकता है। प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेट करता है, राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है। सोशल साइंस, साइंस, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, यहाँ सबसे। अब पीएम का काम क्या है ना कि वो सारे के सारे बिल्स बनाएगा। ठीक है, ये सारे बिल्स प्रेसिडेंट तक पहुंचते हैं और प्रेसिडेंट के पास में जब ये बिल्स पहुंचते हैं तो उसके पास में 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ये कि वो साइन कर दे उस बिल के ऊपर, ठीक है। दूसरा ये कि वो साइन ना करे। अगर वो साइन नहीं करता तो वो पार्लियामेंट को वो बिल वापस से भेज सकता है कि आप एक बार ये वाला बिल चेक करो दोबारा, मुझे ये बिल पसंद नहीं आया, सजेशंस दे सकता है। ठीक है, या फिर वो बिल को अपने पास पॉकेट में डाल करके भूल सकता है उस बिल के बारे में। ये प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं। इसके सिवाय प्रेसिडेंट के पास में एक और बहुत अच्छा पावर होता है, विच इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है प्रेसिडेंट का, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है
अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की जगह पर एक लॉ बना सकता है अगर बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो, पर उस लॉ को पार्लियामेंट के मिलने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास करवाना पड़ेगा। और इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 123। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। हाँ आदित्य, ठीक है। कोई भी एक ऑर्डिनेंस 6 वीक्स तक चल सकता है, और जब तक पार्लियामेंट की दोबारा से सेशन नहीं होता तब तक वहां पर रह सकता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास में एक पॉकेट वीटो पावर भी होता है। पॉकेट वीटो पावर क्या है? इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल या फिर कोई बिल जो किसी प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया हो, तो आप किसी में भी प्रेसिडेंट के पास में जब जाएगा वो बिल, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उस बिल को अपने पॉकेट में रख डाल के रख सकता है और भूल सकता है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो पावर। ये वीटो पावर सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स पर एप्लीकेबल है। अगर मनी बिल होगा या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल होगा तो ये वाला पावर एप्लीकेबल नहीं है, फिर प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, नॉर्मल सा बिल है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को पॉकेट में डाल सकता है और उसको पास ना करे, ये प्रेसिडेंट की विश है। ये पावर प्रेसिडेंट के पास में होती है। पहला पॉकेट वीटो पावर ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया था। एक पोस्टल बिल था जो राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था 1986 में। उन्होंने इस बिल को पास नहीं किया एंड ही यूज्ड हिज एब्सोल्यूट वीटो पावर कॉल्ड पॉकेट वीटो पावर। अच्छा, अब दो तरीके के बिल्स होते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल और एक होता है मनी बिल। ये दोनों ही बिल्स पर पॉकेट वीटो पावर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों बिल्स प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद में ही हाउस में जाते हैं। तो पहले प्रेसिडेंट से पूछा जाता है कि क्या हम ये बिल पास करवा लें, प्रेसिडेंट यस करता है तभी, तो इसीलिए फिर वो बाद में इन बिल्स को कैंसिल नहीं कर सकता। और मनी बिल तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो और कहीं पे भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। राज्यसभा के पास मनी बिल के केस में बहुत ज़्यादा लिमिटेड पावर है। वो पावर सिर्फ यही है कि राज्यसभा 14 डेज से डिले कर सकती है या फिर सजेशंस दे सकती है लोकसभा को कुछ चेंजेस करने के लिए। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द लोकसभा कि उसको वो सजेशंस एक्सेप्ट करने हैं या नहीं करने हैं, वो लोकसभा की मर्जी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें थी अबाउट द कंट्रीज प्रेसिडेंट, बिल्स एंड प्राइम मिनिस्टर। अगर आपको डिटेल के अंदर ये चैप्टर पढ़ना है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत कुछ है इसमें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, गवर्नमेंट एग्जाम आपको देना है, कोई भी क्लैट का एग्जाम देना है, बैंकिंग का एग्जाम देना है, जैट देना है, सीमैट देना, कोई भी ऐसा आपको एग्जाम देना है जिसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हाय आकांक्षा, आप थोड़े से लेट हो गए। ये देखो, मैं तुम्हें एक बार फिर से दिखा देती हूँ रेफरल कोड। ये है रेफरल कोड। आज ही नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं क्लास 10 के लिए, तो तुम अगर आज ये वाला कोड अप्लाई करके प्लस या आइकॉनिक लेते हो, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। 2 बजे के बाद में हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, सारे लाइव लेक्चर्स हैं। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो तुम्हारे एग्जाम से पहले पहले तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से इस कोर्स में एनरोल कर लो, ठीक है। कोड तुम्हारी स्क्रीन पर है 10% डिस्काउंट के लिए। इमर्ज में एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा प्रोफाइल चेकआउट करना है, उसका भी लिंक चैट बॉक्स में डाला हुआ है। एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस कोड एंड अवेल एवरीथिंग, ठीक है। इस चैनल पर मेरी क्लासेस होती हैं शाम को 6:10 पे। ये मेरी रेगुलर क्लासेस का टाइम है। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 10th of November। 10th November को होगा नेक्स्ट सेशन। आई विल सी यू इन दैट सेशन नाउ। इसके सिवाय मेरी स्पेशल क्लासेस का टाइम रहता है 7:15 और प्लस क्लासेस का टाइम है 8:45 PM। ओके,
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर ना डेली शॉर्ट वीडियोस आते हैं, मेरे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे आपको जिसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए गए हैं क्लास 10 के। ठीक है, चलो बाय बाय।